कोरोना महामारी के बाद अब दुनिया में एक नए वायरस ने दस्तक दे दी है। इस नए वायरस का नाम है मंकी पॉक्स, जो कि अफ्रीका और यूरोप जैसे देशों में फैल रहा है। इस वायरस से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। दुनिया में एक और वायरस का कोहराम, तेजी से फैल रहा है मंकी पॉक्स का खतरा। 21 देशों में मंकी पॉक्स का बढ़ता संक्रमण, अफ्रीकी देशों में सबसे ज्यादा प्रभावित। अभी लोगों ने कोरोना वायरस से कुछ राहत महसूस की थी कि एक और वायरस का खतरा पूरी दुनिया में मंडराने लगा है। 2 साल पहले आई कोरोना महामारी, जहां कईयों की जानें चली गई, तो वहीं कई लोग मौत को मात देकर फिर उठ खड़े हो गए। फिलहाल अब एक और वायरस मंकी पॉक्स धीरे धीरे लोगों को अपनी चपेट में लेता नजर आ रहा है। दुनिया के करीब 21 से ज्यादा देश इस वायरस की चपेट में आ गए हैं। ये वायरस अफ्रीकी देशों में रहने वाले लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रहा है। ब्रिटेन, स्पेन, पुर्तगाल और कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी मंकी पॉक्स के मामले सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक जो शख्स इस वायरल की चपेट में आया, वो हाल ही में कनाडा से मैसाचुसेट्स लौट रहा था। कुछ विशेषज्ञों की माने तो मंकी पॉक्स के शुरुआती लक्षण भी नॉर्मल वायरल फीवर की तरह ही होते हैं। इसमें बुखार, पीठ और सिर में दर्द होता है। संक्रमण के 2 से 3 दिन बाद शरीर पर छोटे दाने निकल आते हैं। इस वायरस को लेकर ये भी कहा जाता है कि किसी संक्रमित व्यक्ति के टच में आने से ये किसी दूसरे व्यक्ति में भी हो सकता है। पहली बार साल 1958 में वायरस ने दी थी दस्तक। इंसानों में पहली बार ये बीमारी 1970 में पाई गई थी। 2017 में नाइजीरिया में सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ। हालांकि ये वायरस कोई नया नहीं है, पहली बार साल 1958 में ये वायरल इन्फेक्शन बंदर में पाया गया था। इंसानों में पहली बार ये बीमारी 1970 में पाई गई थी। 2017 में नाइजीरिया में मंकी पॉक्स का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था, जिसमें 70% मरीज पुरुष थे। ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो ज्यादातर मध्य और पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया जाता है। वहीं भारत में भी मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें अगर यूपी की, तो यहां के स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने विदेश से लौट रहे यात्रियों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में आने वाले मरीजों में बुखार और शरीर पर चकत्ते मिलने पर तुरंत चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों को सूचित कराने की भी बात कही है। कोरोना के बाद अचानक से आए मंकी पॉक्स वायरल ने लोगों की नींदें उड़ा दी है। इस बीमारी को रोकने के लिए भारत में अलर्ट जारी होने के बाद अब स्वास्थ्य महकमे का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। आज के खास खबर में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।